सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्री फायर के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे लेवल अप शॉप पे एक नया बंडल आया है, वो दोनों बंडल का आपको रिव्यू करेंगे। उसके बाद गाइस आपको जो एवोल्यूशन स्कार आपने थंबनेल पे देखा है उस एवोल्यूशन का स्कार का फुल डिटेल्स बताएंगे और कैसे आपको मिलेंगे ये भी बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर एक इवेंट एंड अपकमिंग इवेंट्स की वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा न्यू लेवल अप शॉप का ओपी वाला बंडल, और बंडल आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ओपी है। और गाइस इस बंडल का सबसे बढ़िया जो मेरे को लगा वो गाइस इसका बियर्ड लुक लगा। आप लोग को मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हो ये रहा इसका बियर्ड लुक, मतलब काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ओपी है, क्योंकि फ्रेंच कट टाइप का बियर्ड लुक आज तक हमारे गेम में आया नहीं था और ये पहली बार हुआ है गाइस ऐसा कुछ लुक आया है। देख सकते हो गाइस काफ़ी ओपी है। और गाइस टोपी भी जो दिया गया है, टोपी भी बिल्कुल यहाँ पे अभी तक जो फैशन चलता है, मतलब नया वाला जो फैशन है गाइस, कान में बाली पहना, खैर मैं तो नहीं पहनता, वो लोग जो पहनते हैं उन लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है गाइस। अब देख सकते हो ये रहा, और गाइस बालों का कलर भी यहाँ पे ब्लैक कर दिया गया। और ये वाला जो एडम कैरेक्टर है, एडम बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा गाइस जब ये दोनों चीज़ ये पहन ले रहे हैं। देख सकते हो गाइस आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये एडम कैरेक्टर है। तो गाइस ये रहा हमारा फुल मेल बंडल गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये बियर्ड लुक कैसा लगा। उसके बाद देख सकते हो गाइस ये रहा हमारा फीमेल बंडल, तो फीमेल बंडल भी काफ़ी ओपी है, लेकिन फीमेल बंडल में कुछ भी यहाँ पे नया नहीं लाया गया, वही सेम पुराना घिसा पिटा बंडल। क्योंकि गाइस मेल बंडल की अगर बात करूँ तो कुछ एक नया चीज़ लाया गया है, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। तो गाइस ये देख सकते हो एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेल वाला बंडल ज़्यादा अच्छा लगा कि फीमेल वाला बंडल, तो ये बताना ज़रूर। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो एवोल्यूशन स्कार, मतलब काफ़ी ओपी है गाइस। तो गाइस चलिए काउंट करते हैं 1 2 3, और गाइस ये आपके सामने हाजिर है न्यू एवोल्यूशन स्कार। देख सकते हो गाइस ये ओपी वाला स्कार बहुत जल्द आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, और गाइस कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका ट्रेलर देख लेते हैं कि ट्रेलर कैसा है। तो गाइस ट्रेलर देख सकते हो गाइस, ट्रेलर में ही बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है स्कार। और गाइस क्या बताऊँ, इससे ओपी वाला इसका मैंने आज तक नहीं देखा। इसका लुक की अगर बात करो तो लुक बहुत ज़्यादा ओपी है। और गाइस यहाँ पे एबिलिटी जो है इसका ये सेम है बिल्कुल हमारे टाइटन स्कार की तरह। तो गाइस चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो जब ये स्कार एकदम लेवल अप हो जाएगा तो गाइस ये दिखने में कुछ इस तरीके का होगा। तो गाइस दिखने में बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है मेरे को। उसके बाद गाइस ये जब गोली चलेगा तो इसका यहाँ पे गोली का जो निशान है तो वो कुछ इस तरीके का होगा। और गाइस जब किसी एनिमी को आप किल कर लोगे तो गाइस उसका एनिमेशन कुछ इस तरीके का जब ये मर जाएगा, जैसे गाइस एवोल्यूशन एक एक का कैसा होता है, वो आत्मा जैसा कुछ उठ के निकल जाता है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ये रहा इसका इमोट। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं कि आपको ये वाला गनस्किन कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इसका अभी तक जो लिंक निकल के आया है वो है गाइस एक फेडेड व्हील इवेंट आने वाला है, जिससे आप ये स्कार को निकाल सकते हो। और ये स्कार लेने के लिए आपको बस 700 से 800 डायमंड की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि गाइस मैं इसका रीज़न बताता हूँ। ये जो स्कार है ना, या फिर एवोल्यूशन जो एके हो गया गाइस, ये सब डन का क्या होता है, ये लेने में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस इसको मैक्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो गाइस इसीलिए गाइस इस गन का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है, लेकिन गाइस आप डायमंड जमा करना शुरू कर दो कि बहुत जल्द ये आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा किसी एक इवेंट के अंदर, जो कि फेडेड व्हील इवेंट होने वाला है। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।